में, सॉफ्टवेयर के बारे में है, डेटा, यानी कि मुझे दोबारा से सारा कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लैरिटी मिल जाता हम लोग को। हाँ, अब अच्छा है ना, पहले बोलना चाहिए था, 15 मिनट वेस्ट कर दिए। अब देखो, ये जो हमारा व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट विल बी यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। अ कंप्यूटर कैन कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर पीपल। अब कंप्यूटर के अंदर चार चीजें होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्क्रीन पे देखा, यहाँ पे हमारे पास देखो, आई होप स्क्रीन आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारा डेटा है, उसके बाद हार्डवेयर है, ये हमारा डिवाइस है, और ये हमारा यूजर है जो कि यूज कर रहा है सिस्टम को, डेट विल बी यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कोई फाइल वगैरह नहीं देने वाला आपको, आप जाके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको आगे नोट्स बनाने में हेल्प और इजी रहे आपके। ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे स्क्रीन में आपको आ रहा होगा हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, जो कि एक डिवाइस होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि आपका रैम हो गया, मॉडेम हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड्स हो गए, इनको आप इजीली टच कर सकते हो, है ना। अब ये आपके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्पीकर, मॉडेम, माइक्रोफोन, कंप्यूटर, रैम वगैरह, ये सब आपकी स्क्रीन के सामने, जिसको आप देख सकते हो, जो कि हार्डवेयर का पार्ट है। अगर आप इसको देख नहीं पाते बट वो काम कर रहा है, तो वो डेट विल बी द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी समझते हैं। सिक्स, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक बहुत सारे प्रोग्राम्स का पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, मतलब काफी सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, और तब जाके वो आपको कमांड में, मतलब आपको दिखाता है कि कैसे उस सिस्टम को ऑपरेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा की। व्हाट इज डेटा, कोई बताएगा डेटा क्या होता है? बोलो भाई, कोई डाटा हाँ, डेटा क्या होता है? बोलो बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी पता है बताओ, यहाँ पे कोई किसी के टांग नहीं खींच रहा। ठीक है, कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोना, कुछ बोलना चाहोगी? प्रियंका, कुछ बोलना चाहोगी? कोई भी नंबर को हम टेक्स्ट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, जो मॉनिटर पे शो होता है वो डाटा है। ओके, वेरी गुड। प्रियंका, डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन, हाँ आगे, डाटा आर कैरेक्टराइज्ड और इंफॉर्मेशन। कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हो, पहले ये बता दो। कॉपी मैं बुक्स लेके बोल रही। नहीं, बुक्स में नहीं देखना, मैं ऐसे तुम सब जनरली पूछ रहा हूँ, बुक्स को साइड कर दो, बुक्स को इसे मतलब देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। युक्ति, कुछ बोलना चाहोगे? सर डाटा ना बेसिकली कोई भी रॉ, कोई भी फैक्ट, मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको हम शो करते हैं लिख के, तो उसको हम डाटा बोल सकते हैं। कोई भी ओके, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में है या फिर वो कोई पैराग्राफ है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं या न्यूमेरिकल हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डेटा है। ओके, गुड, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और प्रियंका, दोबारा कुछ चेंज करना चाहोगी? नहीं ठीक है बेटा। सारिका, कुछ कहना चाहोगे तुम? सारिका,
कुछ कहना चाहते हैं बेटा? मुझे कुछ नहीं पता। चलो कुछ नहीं पता तो अच्छा है, आपके लिए स्टार्टिंग है, अच्छे से समझ लो। कुछ ना समझ में तो आप पूछ लेना, ठीक है? दोबारा ठीक है। चलो तो स्क्रीन आ रही है ना आपको, इमेज आ रही है ना जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको? ठीक है, चलो गुड। तो डेटा क्या होता है? रो फैक्ट होते हैं, मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमने लिया, मतलब कि मेरे को आपने बोला कि सर ये आप इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरे को कुछ डेटा आया है वो ले लो, ठीक है, और आप उसको भेज दो। अब डेटा कंसिस्ट रो फैक्ट, मतलब कच्चा, जैसे क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपने कुकर लिया, कुकर के अंदर दाल डाला, चावल डाला, नमक डाला, मिर्च डाला, धनिया पाउडर मिला के आपने ये रो मटेरियल को डाल दिया कि किसके अंदर, कुकर के अंदर। अब आपने उसके अंदर पानी डाल के कुकर के सीटी लगा दी, ठीक है। आपने जब रो मटेरियल को कुकर के अंदर डाला, गर्म किया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बन के क्या मिलेगा थोड़ी देर बाद, बताओ? ये तो आपकी फेवरेट है ना, आप तो बता सकते हो गर्ल्स, क्या बनेगा? मतलब मैंने दाल, नमक, चीनी, चावल, सॉरी चीनी नहीं, चावल सब मिला के डाल दिया, तो क्या बन के मिलेगा मुझे बताओ? भैया खिचड़ी। दाल में चीनी कहाँ से आता? अरे नहीं नहीं नहीं, वो पहले किसने बोला, एक एक करके बोलो, मोना क्या बन के मिलेगा मुझको अभी? कुछ नहीं, खाली पुलाव। अरे मैंने बोला था खिचड़ी। खिचड़ी, प्रियंका खिचड़ी बनेगी। तो क्या हुआ, जैसे कि हमने रो फैक्ट्स को मिला के बाद में जब हमने उसको क्या किया, एक्सपेल किया, तो उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि जब हमने रो मटेरियल को, रो चीज को लिया, मतलब जो कि रो डाटा होता है उसको डाटा बोलते हैं, रो फैक्ट्स को हम डाटा बोलते हैं, जब उसको हम एग्जीक्यूट प्रोग्राम करा लेते हैं तब वो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। तो अब आपको डेटा का पता चल गया, और जब आप डेटा आउटपुट हो जाता है तब उसको हम इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमरल्स हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, इमेज हो सकता है। अब उसके बाद हम यूजर के बारे में जानते हैं कि यूजर कौन होता है। पीपल आर द कंप्यूटर्स ऑपरेटर और द यूजर, मतलब कि जो भी इस टाइम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो भी सिस्टम पे बैठा है, वो क्या होगा, आपका यूजर होगा, ठीक है। अब समटाइम्स ऑफ कंप्यूटर कैन ऑपरेट विदाउट मच इंटरवेंशन ऑफ पीपल, बट पर्सनल कंप्यूटर आर डिजाइन स्पेशली बाय यूज बाय पीपल, मतलब कि कुछ टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिसमें आदमी की जरूरत भी नहीं होती है और वो अपने आप ही काम करते रहते हैं, बट जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसको यूज करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें आदमी की ही जरूरत है। हाँ, तो ये हमारे यूजर के बारे में हो गए। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स हो गए, या फिर सर्वर्स हो गए, वो भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है, बट वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। अब देखो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया गया है वो हम यहाँ समझते हैं। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, और कैसे मेमोरी को हम पता करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हमारे पास कितने तरह के हार्डवेयर होते हैं जो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं। अब पहला होता है प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस। अगर आपके पास ये चार डिवाइसेस हैं तो आप घर पे बैठ के अपना कंप्यूटर बना सकते हो। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पूरा समझो, यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर हो गया, इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी रैम हो गया, स्टोरेज ही हो गए, इनपुट डिवाइसेस में आपका पेजर हो गया और माइक्रोफोन हो गया, आउटपुट में आपका प्रिंटर हो गया। तो डेट विल बी द पार्ट ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। अब आते हैं सीपीयू। कई बार आप बात करते हो कि सीपीयू क्या होता है, सर बताओ। हम जब फोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं उसका सीपीयू अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, एक रो डाटा को प्रोसेस करता है और हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेसिंग करने वाला जो डिवाइस होगा उसको हम सीपीयू बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर का एक तरह से दिमाग होता है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर दिमाग जो होता है आपका, वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब आप कुछ भी देख रहे हो
उसको प्रोसेस कर रहे हो दिमाग में और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेते हो। जस्ट सपोज मेरे सामने अभी कॉकरोच है, मैंने कॉकरोच को देखा, इनपुट डिवाइस यानी कि मेरा आँख है, उसको मैंने माइंड में लगाया कि मुझे अब इसको मारना है, मैंने माइंड में प्रोसेस किया कि मारो और इसको मैंने लात से साइड कर दिया, तो मैंने एक एक्शन लिया किससे, अपने पैरों से आउटपुट किया। तो इस तरीके से सीपीयू के अंदर मतलब कंप्यूटर भी इनपुट आपसे लेता है कीबोर्ड और माउस के थ्रू, प्रोसेस करता है और आउटपुट आपके स्क्रीन पे दिखाता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है सीपीयू के अंदर? नहीं है, यानी कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। चलो मेमोरी की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है तो कंप्यूटर के अंदर, एक होती है रैम होती है, एक होती है रोम होती है, ठीक है। अब जो मेमोरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ चिप्स अटैच टू द मदरबोर्ड, अब क्या होता है कुछ चिप्स होती हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, अब सामने स्क्रीन देख रहे हो इमेज के अंदर एक बहुत सारे सर्किट बने हैं, तो उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज द सीपीयू वर्क्स विद देम, दिस मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आपके रैम के अंदर जाता है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको रोम में ट्रांसफर कर देता है। तो किसी को रोम और रैम के बीच में क्लियर बताता हूँ कि जो भी आप काम करोगे इस टाइम, जैसे कि जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो वो इस टाइम रैम के अंदर स्टोर हो रहा है और वो आउटपुट थोड़ी देर बाद वो रैम के अंदर रोम के अंदर स्टोर कर दे रहा है। द सीपीयू कैन फाइंड अ पीस ऑफ डेटा इन रैम व्हेन इट्स नीड्स फॉर इट्स प्रोसेसिंग। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट होल्ड्स डेटा ओनली व्हेन द पावर इज ऑन, व्हेन द पावर इज ऑफ रैम कंटेंट्स आर लॉस्ट। यानी कि मान के चलो अगर मेरा जो कैश होता है, मतलब जो मेरा रैम होता है रैम, उसके अंदर जब आप जब तक वो डिवाइस ऑन है तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, जैसे ही लाइट गई या पावर ऑफ हो गया डिवाइस का, तो रैम के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही थी होती सब चली जाती है, सब लॉस्ट हो जाती है, जैसे क्योंकि इसलिए इसका नाम हमने वोलेटाइल मेमोरी रखा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपसे कोई पूछता है वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलोगे रैम जो होता है कि वो वोलेटाइल का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डेटा लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है, जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा रहेगा और पावर ऑफ हो गया तो डेटा आपका चला जाता है। क्लियर है। अब आते हैं जीबी एमबी जीबी टेराबाइट क्या होता है, कैसे मेमोरी को मेजर किया जाता है। अगर आप कल को कभी फोन खरीदने जा रहे हो 4 GB 64 GB कैसे देखोगे, तो आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट? मोना प्रियंका युक्ति भाई बोलो, नहीं है, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह से रिस्पॉन्ड दिया करो जब बोलो। तो प्रियंका कोई डाउट नहीं है, बाइट्स में मुझे डाउट्स रहते। हाँ, बाइट्स में सबको डाउट्स रहता है, तो अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि कोई क्लियर आपको कोई दिक्कत ना हो। युक्ति कुछ पूछना है, डाउट है पिछले? नो डाउट। ओके, यू नो हाउ टू कैलकुलेट केबी जीबी एमबी टेराबाइट? ओके, तो अब हम मेमोरी को मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि द स्मॉलेस्ट यूजेबल यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ मेमोरी इज द बाइट, एंड द बाइट द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू होल्ड। 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले हम अपना काम निपटा लेते हैं, ठीक है। सो अब मान के चलो कोई भी वन कैरेक्टर लाइक अ ए आर द टू न्यूमरल, ठीक है, मतलब कुछ भी आप टाइप करोगे तो टू न्यूमरल में जाएगा। कंप्यूटर वर्क्स विद लार्जर चंक्स ऑफ द डेटा मेजर इन मल्टीपल बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पे हम ये करेंगे। स्क्रीन आ रही है आपके सामने या कुछ और आ रहा है? आ रहा, स्क्रीन आ रहा। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है ना? ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा रहा था
कि स्लीपिंग टू ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो 1 KB होता है यानी कि 1 KB के अंदर ये सारा बाइट्स के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो जब हम बाइट के अंदर कैलकुलेट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 KB में 1000 बाइट्स होते हैं और 1 MB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं 10 लाख बाइट्स होते हैं। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, कैसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देखो 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स राइट, 1 MB इज इक्वल टू 10 लाख बाइट्स, GB में उसका डबल हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ दिखाता हूँ, न्यू शेयर वाइटबोर्ड ओके। अब यहाँ देखें 1 MB की बात होती है, अगर मैं आपको 1 MB 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स होगा, 1 MB इज इक्वल टू 10,000 बाइट्स हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हुआ 10 लाख बाइट्स हो जाएगा इसके अंदर ठीक है। बाइट्स में सारा काम होता है। अब क्या होगा जब 1024 MB आपकी बनेगी तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 GB यानी कि 1 GB ठीक है। और वैसे ही 1000 GB आपका हो गया तो ये आपका 1 TB हो जाएगा, 1 TB क्लियर है। ये दोबारा समझाओ, इसको कुछ पूछ रहे हैं या हो गया सबको समझ में आ गया एक ही बार में बाइट और बिट में। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 1000 बाइट्स के अंदर 1 KB होता है किलो बाइट्स, तो वैसे ही 1024 KB को हम 1 MB बोलेंगे, वैसे 1024 MB को हम 1 GB बोलेंगे मतलब 1 GB, और वैसे ही 1024 GB हो जाएंगे तो यानी कि ये मेरा बन जाएगा 1 TB। कुछ किसी को समझ में आया या नहीं, पूछो फिर क्लियर करो। मोना क्लियर है? नहीं, मेरे को कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है पूछो। आपने अभी ये बोला मतलब एक्स्ट्रा कि ये है यूज होता है फोन में भी ठीक है। हाँ, जैसे कि आप बोल बट क्या मेजर कर कैसे देख के हमें पता चलता है कि हमें जैसे क्या यूज है इसका? आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि आप कुछ भी फाइल लिखोगे, जैसे कि आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, तो उसका एक साइज होता है कि जब मान के चलो आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो उसका एक स्पेस कवर होता है आपके मेमोरी के अंदर ठीक है। तो मान के चलो आपने एक फोटो खींची ठीक है, अब उसमें कहता है कुछ MB की है, कुछ इतने MB की, तो आपका स्टोरेज को उतना स्पेस कंज्यूम कर रहा है ठीक है। तो उसी को मेजर करने के लिए हम ये चीज़ देखते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपने आपका जो इमेज है उसमें 1024 KB यूज़ किया डेटा आपका स्पेस यूज़ किया, तो यानी कि उस फाइल से कितनी होगी कि 1 MB की फाइल होगी ठीक है। अगर वही ऐसे करते करते 1 MB की फाइल, 2 MB की फाइल, 3 MB की फाइल,
अगर आपको वो 3 MB की फाइल है तो आप इसको 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपकी 3 MB का KB के अंदर कन्वर्जन हो गया। आप मान के चलो आप कह रहे हो कि भैया मेरे को ना 4 GB का रैम चाहिए, तो 4 GB का रैम मतलब यानी कि जो उसकी प्रोसेसिंग होगी वो कितना स्पेस कवर करेगा आपके स्पेस के अंदर, वो 1024 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स वो आपका कवर करेगा, यानी 4 GB इसको इतने से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा इतना MB है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ, आप कल के घर के लिए आप सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया होगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे आपको, आप मुझको सॉल्व करके देना, फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 1 MB हाउ मच किलोबाइट्स, 7 GB तो कितने MB में हुआ ये, ठीक है, 4 TB कहता हूँ मैं तो ये कितने MB में आएगा, सॉरी कितने GB में स्टोरेज होगी। 3 क्वेश्चन है ये, मेरे को आप सॉल्व कर देना, ठीक है, और आपको फिर मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही है, कल मिलते हैं 3 बजे, और मीटिंग आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप लिंक पे क्लिक करके और यूजर आईडी पासवर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकता है।